एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अंकिता की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहे हैं सुबह के 8:15। हम उठ गए हैं, नहा धो लिया है, रेडी हुए बिल्कुल। अब बस रह गई हमारी शानवी और उनके पिताजी रेडी होने के लिए। तो हमारा बच्चा उठ गया है, अभी जा रहा है पापा के साथ ब्रश करने। हेलो से गुड मॉर्निंग। और शानवी का गला बैठ गया, उसकी आवाज़ ही निकल दी है, तो जुकाम हो गया है। तो अभी ये जा रही हैं बढ़िया से रेडी होने, और पानी बहुत ठंडा है, लाइट नहीं है, तो ये आज नहाएंगी नहीं, सिर्फ मुँह हाथ धोके आने वाली, इनकी तबीयत भी अच्छी नहीं है। और बाकी का ये पापा के साथ जाओ, जब तक ये लोग जा रहे हैं। नहीं बना रही हूँ, जब तक ये लोग जाएंगे ब्रश व्रश करके रेडी वेडी होंगी, जब तक मैं अपने कमरे को पहले नीट एंड क्लीन कर दूँ, क्योंकि हम लोग सोए थे। तो हम लोग की गद्दी वद्दी यहाँ डाले हुए हैं, तो पूरा रूम पहले क्लीन कर दूँ मैं। आलस छोड़ो, चली जाओ, पूजा है, क्योंकि अभी ना मंदिर में सब लोग ऑलमोस्ट रेडी होकर आने लगे हैं, तो हम लोगों को पूजा में शामिल होना है। 9 बजे ना अखंड रामायण ख़त्म हो जाएगी, 9 बजे अखंड रामायण ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हवन की तैयारी शुरू होने वाली है। तो हवन चलेगा कम से कम 3 घंटे के समथिंग, क्योंकि पता नहीं 21 किलो या 31 किलो जो बोलते हैं ना, उतना हवन है। तो सब लोग वहाँ बैठेंगे, तो फिर 2-3 घंटे वो भी होने वाला है। तो बाकी का ब्लॉग मेरे साथ बने रहें देखने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, और हाँ कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो रहे हैं 11:30, पूजा होने की समाप्त, हम लोग आ गए थे यहाँ नाश्ता करने के लिए। नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है, तो भी हम लोगों ने बैठे बातचीत वगैरह करी, और अभी जो पंडित जी हैं उन्होंने भी नाश्ता वगैरह कर लिया है। तो अभी पूजा दोबारा स्टार्ट हो रही है, हवन की तैयारी शुरू हो गई है। तो अब हम लोग जा रहे हैं हवन के लिए दोबारा से मंदिर, तो वहीं बाकी चल के बाकी जो वीडियो है वहीं जाके शूट करने वाले हैं। तो प्लीज क्या बोलेंगे इस चीज़ को, बदतमीजी ना, दैट्स राइट। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग वहीं चल रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ बने रहे हैं इसी तरह, और अपना प्यार हमारी तरफ बना रहे हैं। कठपुतनाई स्वाहा, अट्टहासाई स्वाहा, कामर ह्रीम सर्वांश की गायत्री योगिनी स्वाहा। जल लीजिए हाथ में, बोलिए अनेनो होमेनो श्री चतुर्षष्टी योगिनी देवी प्रियताम नमः। आहुति का नियम है कि 1 साल के बच्चे को जैसे प्रेम से माँ भोजन कराती है, इतने प्रेम से आहुति दी जाती है। सदा धर्म से लाभ उठावे, जो लोग संपूर्ण हवन में नहीं बैठ पाते हैं, अगर वह पूर्ण आहुति छोड़ देते हैं तो उनको पूरे यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है।
स्वस्ति कृते स्वाहा। बोल यज्ञ नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पश्चिम दिशा में घूम करके नमस्कार कर ले। श्वेता स्थान, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। सुरभि में भस्म निकाले। सुरभि में भस्म निकाल करके, भी आपकी गलती हुई है इतनी सी भी, तो उसके दोषी ये होंगे। कौन? जीवन में तो उसके सारे दोषी ये होंगे जो कार्य कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, अब आचार पात्र हाथ में ले ले। आचार पात्र हाथ में लेंगे। भव में फंसे नाव मेरी, तार दो भगवान, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भव में फंसे नाव मेरी, तार दो भगवान, हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है, हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, मांगू तुझसे क्या मैं ये सोचू। तन्नो गौरी प्रचोदयात्, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् प्रथमानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि, तन्नो श्री नारायणो श्रीमद् भागवत प्रचोदयात्। दवारों पे थोड़े से दवा की ऊपर नहीं छोड़ना, नीचे नीचे दवारे उखाड़ दो थोड़े से। रच रक्षा श्रास निष्ठा, रच रक्षा सुविता मया निवेदिता भक्त्या पुनरागमनाय च। रामायण।